हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 5, डस इट लुक द सेम। इसमें जो पिक्चर दे रखे हैं उन्हें देखना है क्या ये सेम है। यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है, यहाँ पे कलर से एक पैटर्न बनेगा। ये पैटर्न हमें बनाना है इस चैप्टर में। हमें मेन है जो पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। मेक योर पैटर्न। अपना पैटर्न बनाने के लिए एक शीट लीजिए, शीट को फोल्ड कर लीजिए हाफ में। ओपन द फोल्ड एंड पुट इट ए ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द लाइन। जो यहाँ पे इसकी फोल्ड की लाइन आई है उस पर एक कलर डालिए। उस लाइन के ऊपर आपका जो कलर आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसे प्रेस कीजिए। आपने जो ये कलर डाला है फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसे प्रेस करें तो उससे क्या होगा, वो कलर फैल जाएगा। फिर इसको हम जो है ऊपर से प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इसे खोलेंगे। जब खोलेंगे तो देखिए इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच वे दैट टू सिमिलर पार्ट्स हैव। क्या आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं कि ऐसा पैटर्न करें कि उसको मिरर में देखें और बीच में कट करें और मिरर में देखें तो सेम हाफ हो, एक जैसे दो हाफ मिले। अब देखो इसे मिडल से कट करें इस तरह से, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, एक जैसे हाफ हाफ आधा आधा। मिरर के सामने रखेंगे तो क्या ये इस तरह का दिखेगा, आधे हिस्से को हम कट करके रखें मिरर के सामने दिखने से। तो इन्होंने यही पूछा है, कैन वी कट इन सच वे कि हम इस तरह से काट सकते हैं कि इसका हाफ पार्ट जो है वो एक दूसरे के सेम रहें। लिखिए यस, दिस पैटर्न कैन बी कट इन टू टू इक्वल हाफ्स। इन हाउ मैनी वेज कैन यू कट इट। आप इसको किस तरह से काट सकते हैं, कितने वेज से काट सकते हैं। इट कैन बी डन ओनली इन वन वे, एक तरह से ही काट सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर हम करते हैं 72। 72 पे क्या है, लुक एट दिस पैटर्न। देखिए इस पैटर्न को आप सभी। इस पैटर्न में क्या दे रखा है, द डॉटेड लाइन डिवाइडेड द शेप इनटू टू हाफ्स। ये जो डॉटेड लाइन है ये इसको दो अलग अलग हाफ में डिवाइड कर रही है, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर। बट इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, अगर इसको फोल्ड करें डॉटेड लाइन से, एक एक के ऊपर अगर हम एक रख दें, फोल्ड कर दें, लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ, तो राइट वाले हाफ को लेफ्ट वाला हाफ जो है कवर नहीं करेगा, तो ये इसका मिरर हाफ नहीं बनेगा। और हमें क्या बनाना है, इसका मिरर हाफ बनाना है। देखिए इसको ढंग से, ये पूरा पैटर्न है, इस पैटर्न को हमने बीच से कट किया है। अगर हम इसके ऊपर बिल्कुल रख दें, बिल्कुल फोल्ड करें, तो ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा। ये जो साइड से निकला हुआ पार्ट है बच्चों, ये क्या होगा, ये इससे अलग आ जाएगा। इसी तरह से ये ग्रे कलर का जो लाइट ब्लू कलर का है, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये इक्वल हाफ नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। मिरर हाफ जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है, एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ये कवर नहीं करेगा, तो ये मिरर हाफ नहीं है। सो द टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ, नीचे आपको बताया हुआ है। नाउ लुक एट द अनदर शेप, ये अदर शेप देखिए। इफ़ वी फोल्ड इट फ्रॉम द डॉटेड लाइन, अगर हम इसको डॉटेड लाइन से फोल्ड करें, देखिए अगर हम ये वाली डॉट है जो ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कवर कर लेगा। सो द टू हेयर द मिरर हाफ, यहाँ पे दोनों क्या बनेंगे, मिरर हाफ बन जाएंगे, ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स बनेंगे। जो मिरर हाफ होता है वो ओवरलैप कर लेता है दूसरे वाले हाफ को, राइट वाला लेफ्ट को। अब देखो यहाँ पे इन्होंने फोल्ड किया है, ये फोल्ड करने से क्या हो गया है, ये इसका मिरर हाफ बन गया है, ये इसको फोल्ड कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर इसको हम बीच में से डॉटेड लाइन कर दें या कट कर दें, अगर हम ये वाला मिरर के सामने रखें तो ये दिखेगा, अगर इसे फोल्ड करेंगे तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे।
ये इसके ऊपर ये आ जाएगा और ये दोनों क्या ओवरलैप कर जाएंगे और एक जैसे बनेंगे। इसी तरह ये भी है, ये भी मिरर हाफ है, राइट हैंड साइड पे है। अगर हम डॉटेड लाइन बनाएं, इस डॉटेड लाइन से फोल्ड करें, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे और क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं, 73। विच शेप इज़ डिवाइड इंटू टू मिरर हाफ्स, इनमें से कौन सी शेप है जो मिरर हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए इसको, फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट वाली को देखते हैं। अगर हम इस तरह से कट करें, इसे बीच से डॉटेड लाइन लगाएं और फिर हम फोल्ड करें, तो ये मिरर हाफ है। तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, मिरर हाफ होंगे। अगर राइट को देखेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाले को देखेंगे नीचे वाला, नीचे वाले को ऊपर वाला। सेकंड वाला देखिए, डॉटेड लाइन है, अगर इधर, लेकिन यहाँ पे जो है सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ बड़ा हुआ है, ये बड़ा हुआ चेंज होगा, ये थर्ड वाला जो है ओवरलैप नहीं होगा, ये सेम नहीं दिखेगा। इसी तरह नंबर नंबर 5 जो है वो भी सेम होगा, 5, 7, 10, 8, 15, ये सारे क्या होंगे, इक्वल बनेंगे, मिरर हाफ बनेंगे। देखिए 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, ये सब मिरर हाफ बन जाएंगे। पेज नंबर 74, इसमें भी हमें मिरर हाफ दिया है। यहाँ पे एक पिक्चर डॉग की है। अब डॉग की पिक्चर को डॉटेड लाइन से इन्होंने कहा है कि अगर हम इसको ओवरलैप करें तो क्या ये मिरर हाफ बनेगा। राइट लाइन क्या होगा, हिडन हो जाएगी। हम देखते हैं, अगर हम इसको, इस डॉग को देखें और बीच में ये जो मिरर हाफ बनाया गया है, ये डॉटेड लाइन बनाई गई है, इस डॉटेड लाइन से आपको मिरर में देखना है, इस डॉटेड लाइन से अगर हम लेफ्ट पार्ट को अगर हम देखते हैं, तो ये किस तरह से देखेंगे, यहाँ मिरर रखेंगे, इधर साइड का कवर हो जाएगा, तो हमें कैसी शेप दिखाई देगी, लेफ्ट वाली जो साइड है डॉटेड लाइन के, उसकी हमें जो है शेड दिखाई देगी, उसका मिरर हाफ हमारा बनेगा। देखिए इधर देखिए, इस साइड पर इस तरह का बनेगा, इस तरह का दिखेगा ये, ठीक है, आपको मिरर में देखने के बाद। वट विल सी लाइक, देखिए इस तरह से हमें आई की तरह दिखाई देगा। लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स, तो आपको डॉटेड लाइन से देखना है, या डॉटेड लाइन से अगर हम इसे कर रहे हैं, अब ये अपर और लोअर साइड हमें दो दी गई हैं डॉटेड लाइन से, आपका फिगर ये बने, इन दोनों में से कौन सी लाइन होएगी। वर्टिकल लाइन जब हम लेंगे, देखो इस लाइन पे अगर हम मिरर रखेंगे तब ये शेप हमें मिलेगी, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखेंगे तो ये हमारी शेप नहीं बनेगी। विल यू कीप द मिरर वर्टिकली डॉटेड लाइन, आल्सो विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन व्हेन वी कीप, आल्सो टेल विच पार्ट विल बी की मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। जब आप यहाँ पे मिरर रखेंगे तो कौन सा पार्ट दिखेगा हमें, ये छिप जाएगा मिरर के साइड पर, राइट हैंड साइड का। अब पेज नंबर 75 यहाँ पर देखते हैं हम, पेज नंबर 75 पे देखिए, ये हमें पिक्चर्स बना के दी गई हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें पिक्चर बना के दी गई है, ये वाली पिक्चर देखिए, हमारा ये शेप जो है बननी चाहिए मिरर हाफ में, तो हम किस तरह से डॉटेड लाइन करें, तो देखिए हम इस तरह से डॉटेड लाइन इसके अंदर करेंगे ताकि हमें ये पिक्चर मिल जाए। यहाँ से जब हम मिरर रखेंगे तो ये वाली शेप जो है हमें दिख जाएगी, लेफ्ट साइड हमें शो होगी, इसका मिरर हाफ दिखेगा और राइट हमारी जो है क्या हो जाएगी, छिप जाएगी। इसी तरह से सेकंड फिगर में हमने की तो हमारी ये फिगर बनेगी। इसी तरह यहाँ पर देखिए, अगर हमने यहाँ पे डॉटेड ली तो ये फिगर बनेगी, अगर यहाँ डॉटेड लाइन ली तो ये फिगर बन जाएगी। क्लियर है बच्चों, पेज नंबर 70 देखिए, व्हेन वी मेक ए रेड एंड वाइट शेप, मेक अ लाइन ऑन होम द वाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप ए मिरर
टू लुक द शेप हाउ द लाइन ड्रा द फॉलोइंग। पहले बॉक्स में हम किस तरह से लाइन लगाएं, यहाँ पर जो है हमें इस तरह से लाइन लगानी पड़ेगी। अगर हम इस तरह से लाइन लगाएंगे तब हमारी ये शेप मिलेगी। सेकंड वाले की ये शेप बनानी है तो हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे, यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये वाली शेप की हमें मिरर इमेज दिखेंगे। सेम सी में हमें क्या दे रखा है, ये शेप बनानी है तो हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे तो हमारी ये वाली इमेज बन जाएगी, जो ये इधर हो जाएगा। डी में हमें देखिए हाफ़ में हमें लो लाइन ड्रॉ करनी है ऐसी इमेज देखने के लिए मिरर में। नेक्स्ट में देखिए ई में देखिए हमें ऐसे डायनली डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी ताकि ये हमारी इमेज बन जाए।